केंद्र ने दी निजल वैक्सीन को मंजूरी। बूस्टर डोज के तौर पर होगा इस्तेमाल। सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किया शामिल। कोरोना की आहट से केंद्र ही नहीं राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। मंत्रालय धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वो मास्क पहने, भीड़भाड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूत्रों के मुताबिक गुड न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की निजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने इस वैक्सीन को कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। निजल वैक्सीन की शुरुआत प्राइवेट अस्पतालों से होगी। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का नाम BBV1154 है। वैक्सीन को 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। DGCI ने भी भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन को पहले ही मंजूरी दे रखी है। 4000 वॉलंटियर्स पर हो चुका है इसका क्लिनिकल ट्रायल। आपको बताते हैं कि आखिर ये वैक्सीन कैसे काम करती है। कोरोना समेत ज्यादातर वायरस म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। म्यूकोसा नाक, फेफड़ों, पाचन तंत्र में पाए जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। वैक्सीन पोर्टल के डेटा के मुताबिक अब तक 95 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या अभी भी काफी कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमारे को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट काफी लोगों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और फिर काफ़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, तो दोनों को मिलाकर एक हिब्रिड तरह की एक इम्यूनिटी हो गई है और वो मुझे लगता है कि इस वायरस को रोकने में काफ़ी सिद्ध होगी। हालांकि कोरोना को मात देने के लिए पहले की तरह 5 हथियारों का इस्तेमाल करने का सुझाव सभी जानकार दे रहे हैं। ये हथियार हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका। साथ ही सबसे जरूरी और आखिरी हथियार है कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना। अभी तक हमारे देश में 28% से ज्यादा लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है, लेकिन कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाएं। कोरोना से डरिए नहीं, जमकर डटिए और इस महामारी को मात दीजिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।